नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिल्पी। आज मैं आप सभी को पति पत्नी से जुड़ी कुछ बातें और कुछ नियम कायदों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। भविष्य पुराण में लिखी पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसी नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को पालन करनी चाहिए। पत्नी की 5 गलतियां जो पति को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हैं तथा जिनके कमरे से बदबू आती है, वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। यथार्थ पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है। इसलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती हैं या अपने आप को साफ नहीं रखती, वो महिला निगेटिव एनर्जी से भरी होती हैं और उसके इर्द गिर्द निगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम और उसके व्यवहार पर भी दिखता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या दिल से भर पेट खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या पति के पीछे ही रहेगी और कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देगी। दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहें। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से चूके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। आप अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपको जिंदगी में पुण्य मिलता रहेगा और बुरा समय कभी नहीं आएगा। अब जानते हैं उपाय। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले करना है। आप एक रोटी लें और उसको अपने ऊपर से 31 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या किसी नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाएं और दीप जलाएं। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। अंतिम उपाय यह है कि रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपके जिंदगी में जितनी भी बलाएं हैं वो टल जाएंगी। तो यह थी कुछ उपाय जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही मैंने यह भी बताया कि कौन सी ऐसी गलती है जो पत्नी अगर करती है
तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। हमारी ये बातें अगर आपको पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।